अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बस अपने थोड़ा सा दिल का दर्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग सब कोरोना को मजाक नहीं समझे। मेरे डैडी की कंडीशन डे बाई डे बहुत ख़राब होती जा रही है। मेरे डैडी डॉक्टर हैं और अभी वो दाव में ओझा में आईसीयू में एडमिट हैं। उनकी कंडीशन डे बाई डे और ख़राब होती जा रही है। वो खुद डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी उनको। उनको अचानक से ये कोरोना लगा और उसके बाद उनकी कंडीशन बहुत बहुत ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप लोग सबसे मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप की हिफाजत करें, क्योंकि कोरोना ये ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं लग रहा या माँ बाप घर पर हैं तो उनको नहीं लगेगा। इसमें भी बहुत सारी दूसरी दूसरी तरह के जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कोरोना है, डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिससे लग रहा है। आप लोग इसको मजाक नहीं लें, प्लीज़ अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की हिफाजत करें और दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बाप को मेरे सर पे सलामत रखे। हमारा पूरा घर बहुत डिस्टर्ब है, हम लोगों का सबका वो सरमाया है, हमारे लिए वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सबके लिए उनका बाप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मगर ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ जितना हो सके फैमिली गैदरिंग से बचें, कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब स्किप कर दें, कुछ भी करें बट घर में रहें यार, प्लीज़। और अपने माँ बाप की हिफाजत करें, प्लीज़ प्लीज़ कोरोना को मजाक नहीं समझें, प्लीज़। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा प्लीज़, डॉक्टर नूर मोहम्मद के लिए बहुत बिलखसूस दुआ कीजिएगा और करवाइएगा।